नमस्कार, आप देख रहे हैं मालदा बाजार टीवी। मैं इस वीडियो में बताऊंगा दिल्ली आजादपुर सब्जी मंडी का सब्जी का भाव। तो वीडियो का अंत तक देखें तो आपको मालूम हो जाएगा कौन सा सब्जी क्या भाव बिका है दिल्ली आजादपुर सब्जी मंडी में। रोजाना सब्जी का भाव जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबा के रखें ताकि जब भी हम यहाँ से वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं शकरकंदी का। शकरकंदी बिका है 1500 से लेकर के 1800 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से। हरा मटर बिका है 1000 से लेकर के 1300 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से। टमाटर बिका है 800 से लेकर के 1000 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से। बैंगन बिका है 1400 से लेकर के 1800 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। भिंडी बिका है 4000 से लेकर के 4600 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। गाजर बिका है 1000 से लेकर के 1200 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। नींबू बिका है 3500 से लेकर के 3600 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। सेम बिका है 1800 से लेकर के 1900 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। फूलगोभी बिका है 400 से लेकर के 500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। पत्ता गोभी बिका है 300 से लेकर के 500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। करेला बिका है 3500 से लेकर के 3600 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। घिया बिका है 1000 से लेकर के 1500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। कच्चा पपीता बिका है 1000 से लेकर के 1250 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। कच्चा केला बिका है 2000 से लेकर के 2150 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। सीताफल बिका है 1500 से लेकर के 1600 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। जीबीकंद बिका है 1800 से लेकर के 1900 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। हरा मिर्ची बिका है 3000 से लेकर के 3400 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। अदरक बिका है 2400 से लेकर के 2500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। हरा धनिया बिका है 600 से लेकर के 700 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। बीन्स बिका है 2500 से लेकर के 3200 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। शिमला मिर्ची बिका है 3000 से लेकर के 3400 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह का रोजाना जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबा के रखें ताकि जब भी हम यहाँ से वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मैं चैनल पे ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूँ। नमस्कार।